तो सभी को फिर से नमस्कार। तो मीटिंग शुरू करते हैं संडे मॉर्निंग की। एक तो आप सबको तो बधाई कि हम आज जो है, जैसा हमने पिछली बार एक दूसरे से वायदा किया था कि मतलब कोशिश करेंगे कि 8-8:05 तक जो है हम मीटिंग ज्वाइन कर ले, शुरू कर दें। तो अभी 8:05 जस्ट हुए ही है एंड वी ऑलरेडी हैव 9 पीपल इन द मीटिंग। तो आप सबका धन्यवाद कि आप समय पे आए, और आप सबको बधाई भी। ये हमारी सबकी सीरियसनेस इंडिकेट करता है कि हम इस कंटेंट के साथ में अच्छे से जुड़े हैं। तो इस बार हमने ये डिसाइड किया था कि अध्ययन बिंदु और विकल्प, ये वाली पुस्तक जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका प्राकथन आपके सामने। इसमें जो है ना, बाबा जी ने प्राकथन में ऐसा लिखा है कि इस प्रयास में अपेक्षा यही है। ये पैराग्राफ पहले वाला पढ़ लेते हैं। मैं सिद्ध मूलक मानव केंद्रित चिंतन अर्थात मध्यस्थ दर्शन साइंस पर आधारित जीवन विद्या प्रबोधन कार्यकलाप के लिए बिंदुओं को निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। तो मेरा इसका पढ़ने से इंटरप्रिटेशन ये बनता है कि बाबा जी कह रहे हैं कि जो जीवन विद्या शिविर रहते हैं उसमें प्रबोधक इन चीजों की, जो इस पुस्तक में 39 या कुछ ऐसे पॉइंट हैं, उनका जो है वो स्पष्टता प्रस्तुत करेंगे। एंड नेचुरली मुझे फिर ऐसा लगता है कि अगर प्रबोधक स्पष्टता प्रस्तुत करेंगे तो जो पार्टिसिपेंट है उसकी स्पष्टता बन भी जाए। फिर इसके बाद में जो है उन पुस्तकों पर डीपर स्टडी पठन है, जो 10 मेन पुस्तकें हैं उसको जो है प्रस्तावना। तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, इसको यहाँ पर 4 लाइन में बाबा जी ने लिखा। फिर ये जो है वो ज्ञान विवेक विज्ञान, उसको जो है यहाँ पर लिखा। तो ये पहले 3 पॉइंट जो है ये ज्ञान वाले हैं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। और फिर उसके बाद में विवेक एवं विज्ञान, ज्ञान विवेक विज्ञान, ये जो है ये 3 मेन इस तरह से हम लोग शिविर में भी कवर करते हैं। और फिर ऐसे ज्ञान का लोकव्यापीकरण करने के लिए 3 योजनाएं हैं। क्या है? जीवन विद्या योजना, मानवीय शिक्षा संस्कार योजना या शिक्षा का मानवीयकरण योजना, और परिवार मूलक राज्य व्यवस्था का। और फिर जीवन विद्या में जीवन ही दृष्टापद है, इसको भी हमें समझ लें। और ये जो है प्रमाण है। इतना एक पेज पर लिख के फिर बाबा जी ने जो ज्ञान के 3 पार्ट थे, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, इसमें से अब अस्तित्व दर्शन को मतलब बोला कि ये जो है ना, ये ध्यान में बना हुआ है कि ये कुछ जो है वो अस्तित्व दर्शन में व्यापक की बात हो रही है, ऐसा जो है शिविर में भी आ जाता है। तो व्हाट वी डिसाइडेड लास्ट टाइम वाज कि ये पूरी स्लाइड को अभी हम पेंडिंग में छोड़ देंगे, लाइक थोड़ा सा ये इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग पूरे शिविर में, और नॉट ओनली एक शिविर, आप सबने कई शिविर कर लिए हैं, ये व्यापक और सह अस्तित्व, ये वाले शब्द जो है ना, ये बार बार आते हैं। तो मुद्दा जो है वो आपस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज का हमने एजेंडा आइटम ये बनाया था कि आप ही में से सब लोग बारी बारी से, और सभी लोग प्रस्तुत करें, क्योंकि धीरे से आप लोगों का व्यस्त होने का भी अभ्यास हो। देखिए, ये चीज सुन के अच्छी लगती है, ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन हमको सिर्फ जिंदगी में सुनना ही नहीं है। आप लोग सब लोग मतलब कई साल से जो है इस चीज को समझ रहे हैं, धीरे से घर में, बच्चों के साथ में, बाकी सब में भी हम इन चीजों को चर्चाओं में ला पाए, इसको कुछ सटीकता से प्रिसाइसली बात रख पाए, उसकी भी हम ही सबको एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहां पे तो जिसमें भी हेसिटेशन भी है कुछ व्यक्त होने के बारे में, उनसे भी मेरा आग्रह है, एक्चुअली मेरी तरफ से पूरा एनकरेजमेंट रहेगा और खुश रहेगा थोड़ा सा, प्लीज जो है व्यक्त होने का प्रयास करें, अभ्यास करें, और इसी से ही जो है इस बात को हम जो है ना, मतलब ये अकेले में समझने वाली बात तो है नहीं, साथ साथ चलने वाली बात है, तो अपना अभ्यास होना व्यक्त होने का बड़ा आवश्यक है।
तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि मुझे छोड़कर 10 लोग हैं, देव भाई, अक्षय खेरवा जी, अनु यादव जी, भुवन भाई, मनोहर भाई, प्रतिभा जी, एस के भाई, उमा शंकर भाई और वर्षा जी। तो मेरे अलावा 10 लोग हैं, 10 में से एक दो लोग अगर, मतलब हमने पहले ऐसा भी डिसाइड किया था कुछ लोग अगर ऐसा चाहे कि शुरू में मैं ऑब्जर्वर मोड में रहूंगा या रहूंगी, अभी मेरे को नहीं बोलना है, तो वी आर एग्रीएबल टू दैट। लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी साथियों से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो तो व्यापक, और जो भी व्यापक से रिलेटेड जो सह अस्तित्व कहते हैं, वो अभी तक आपने कितना ग्रास्प किया, कैसे देखते हैं इसको, तो ये आप जो है ना, माइक ओवर टू यू। निर्भय कैसे करेंगे इसको, कौन कौन शुरू करेगा, आप चलाएंगे इस सेशन को, आप जो है ना, मैं साथ में बना रहता हूँ, आप देखिए कौन पहले करेगा कौन बाद, और बीच में आप भी कभी कर। जी ठीक है। तो मुझे जो सामने एक्चुअली मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिखाई दे रहा है इधर, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आई कॉल द नेम्स। तो आपको जो हम सभी को जितना भी अभी तक जो हमारी समझ बनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, हम लोग उस उसके बारे में शेयर करें। भैया टाइम आपको लगता है कि करना चाहिए? करें करें भैया, कर दे, पहले तो रोका ना जाए, मतलब मेरे को लग रहा है कि बोले 10-15 मिनट भी किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई मतलब बढ़िया है, कोई मतलब फिर बाद में देखेंगे कि कैसे करना है टाइम मैंने। ठीक है। तो आज का टॉपिक जैसे भैया ने शेयर किया व्यापक है, तो उसके ऊपर जितनी भी हमें हमारी समझ बनी है अभी तक की, आप प्लीज सबके साथ शेयर करें, और कोई बीच में अटकना होता है तो उसको हम लोग बाद में एड्रेस करेंगे। बट जितना पॉसिबल होता है एक्सप्लेन वे में प्लीज प्रेजेंट करें। और सो किसी ने कोई स्लाइड्स वगैरह बनाई हो भैया, तो वो आप उनको बस शेयरिंग का जी राइट भी दे दें, और वो पूछ लें, और वो फिर ये वाली मैं इसको हटा देता हूँ और वो अपना स्लाइड भी शेयर। जी ठीक है। सबसे पहले मुझे अनु जी का नाम दिखाई दे रहा है। अनु जी आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सर मतलब मेरी इतनी अच्छी समझ तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी समझ बन गई होगी, लेकिन बस व्यापक का मतलब मेरे को यही समझ आता है कि जैसे जो हमारी सृष्टि है या जिसको हम शून्य मानते हैं, मतलब अब तक जैसे हम हमारा था कि हम जैसे किसी परमात्मा को या भगवान को पूजते हैं, तो वो जो शक्ति है वो व्यापक है। जैसे हम आरती वगैरह में बोलते हैं कि जो हर जगह पहुंचने वाला अंतर्यामी सर्वव्यापक, तो उसमें मेरे को बस यही समझ आता है कि जिस भी हम उसमें रह रहे हैं, ये एक तरह से हम शून्य में हैं, और जो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो उस शून्य की जो ऊर्जा है उसमें डूबी भीगी हुई है, मतलब वो उसी में एक तरह से पूर्णतः लिप्त है और उसी से ऊर्जायमान है। तो और उसी से जितना भी हमारा प्रकृति का, जो भी ब्रह्मांड का, सौरमंडल का, जो भी प्रक्रियाएं क्रियाएं हो रही हैं, वो सब उसी व्यापक पारदर्शी जो शक्ति है, या मतलब मेरे पास इतने अच्छे शब्द नहीं है, मतलब मैं अंदर से चीजों को समझ पाती हूँ लेकिन उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो इतना ही मैं अभी इसके बारे में समझ पाई हूँ, और आप देख लीजिए सर। ठीक थैंक यू। है ठीक है। तो व्यापक आपने बोला एक शक्ति है, तो आप इसको पुनर्विचार करके प्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे क्या एक्चुअली वो शक्ति है कुछ और है? शक्ति या मतलब ऊर्जा का जो हम स्रोत मान सकते हैं उसको, मतलब जो मेरी समझ बनी है कि उसी से ऊर्जायमान है सृष्टि की हर वस्तु, चाहे वो जीव है या निर्जीव है, वो उसी से ऊर्जायमान है। ठीक है ठीक है ठीक
ठीक है, तो आप अगर आप अपने आपने जो एक और टर्म यूज किया था डूबा भीगा घिरा, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? जी इसमें ना जैसे जब हमारा एक मतलब यहाँ मैंने भैया से भी दो चीजों को समझा, फिर उसको थोड़ा सा कोरिलेट किया कि हमारा सोम भैया के साथ शिविर हुआ था वहां पर छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे उन्होंने जब चीज एक्सप्लेन की तो मुझे बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव और बहुत ही ऐसा लगा कि हाँ ये चीज है वाकई में, कि उन्होंने कहा कि मतलब आप ऐसे मान सकते हो उस चीज को कि जैसे कॉटन है या रुई है उसको हम पानी में भिगो देते हैं तो उसके अंदर भी वही है चीज है, उसके आवरण में भी वो चीज है, और वो मतलब पूर्णतः उस चीज में ही घुली हुई या लिप्त है जो भी वस्तु या चीज है। तो वो जो मुझे समझ आया था कि जो ये जितनी भी चीज चाहे हम हैं, जैसे वो कबीरदास जी का भी दोहा है कि जो कि जल के भीतर क्या था घट मतलब कि एक घड़ा है जिसमें जिसके अंदर पानी है, और वो पानी घड़ा जो पानी के अंदर भी है तो सिर्फ इतना ही आवरण है कि वो जो घड़े की जो मिट्टी है वो बीच में है, बाकी अगर वो घड़ा फूटता है तो उसी में मिल जाता है, उसके अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है। तो इस तरह से मतलब मैं अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि हम जो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा, तो वो जो आत्मा परमात्मा वाली बात है वो वही उस शून्य की या उस जो इसमें स्पेस में जो ऊर्जा है वो उसी से ही बनी हुई है और उसी में ही मिल जाती है, मतलब ऐसा मेरा सोचना है। जी, ऑलराइट, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। बाकी आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि मैं कुछ समझ पाई हूं या नहीं, इतना नहीं समझ पाई हूं कि एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं। दीदी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाई या ना नहीं कर पाई, और हम कोई मार्किंग या स्कोरिंग नहीं करने वाले इसमें, मतलब इस सेशन में नहीं ये। सर, मतलब हाँ मेरे को ये तो होना कि मतलब मेरी कितनी समझ बनी नहीं, है जी। तो दीदी ऐसा करेंगे ना, देखिए सभी लोग प्रस्तुत करेंगे तो इन प्रस्तुतियों के क्रम में जो है ना, वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि किन चीजों की मुझे स्पष्टता थी और किन चीजों की नहीं थी। वो हमारी दूसरों को सुनकर के स्पष्टता अपने आप बन जाएगी। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है, इसके बजाय कि हम बताएं कि ये ठीक बोला ये ठीक नहीं बोला, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी है जी जी ना, थैंक तो यू। पल है ना, हमें हमें अपने आप को इस स्तर पर लाना कि हम पूरे कंटेंट को समझ पाए। तो मतलब उस लिहाज से कुछ जी रखा सर, गया, और कुछ जो दूसरे भी बोलेंगे, और फिर अपने गैप्स की तरफ ध्यान जाएगा, उसी से ही पर्पस अचीव। आई थिंक दैट जी थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए आप आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, भुवन भाई आप कुछ शेयर कीजिए। आई एम श्योर कुछ ओवरलैप रहेगा, वो कोई बात नहीं, और कुछ गैप्स फिल होंगे, तो जो आपको समझ बनी है आप प्लीज। भुवन भाई जी नमस्ते देव भैया, नमस्ते सभी को। मैं नया विद्यार्थी हूँ, तो मेरी भूल चूक माफ। और मैं इस बात से भी हमेशा सोचता रहा हूँ कि अल्फाबेटिकली मेरा नाम बी से क्यों हुआ, जेड से क्यों नहीं हुआ। पहले मेरा ही नंबर आता है हमेशा। तो मैं क्या समझा हूँ अभी तक, जितनी भी मेरी समझ बनी है व्यापक को लेकर के, तो मैं इसको ऐसे समझा हूँ कि अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं, एक व्यापक है और एक इकाइयां हैं। व्यापक को हमने मूल ऊर्जा की तरह देखा है, जिसमें सभी इकाइयां ऊर्जित हैं। व्यापक में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, और उसको कैसे मैं समझा हूं, तो व्यापक को अलग अलग नाम से हमने मैंने समझा है। जैसे हम ईश्वर भी इसको बोले हैं, तो जिसमें सारे ऐश्वर्य हो तो वो ईश्वर है, और उसी का हमने एक नाम ईश्वर रखा है। पारगामी है क्योंकि ये आर पार है, ये क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटा परमाणु अंश है उसके भी आर पार है। सॉरी भैया मेरे पीछे काफी डिस्टरबेंस थोड़ा आपको लगेगा। और तो व्यापक को जैसे हमने देखा था कि ये कुछ बनाने वाला है, ये जो ये जनरली हम ऐसे समझते थे कि पृथ्वी की किसी ने रचना करी है, इंसानों को किसी ने बनाया है, हम एक मर जाएंगे और हम
84 लाख योनियों में भटकेंगे तो उसके बाद एक मनुष्य योनि पाएंगे, तो वो जिस तरह से हमने ईश्वर को समझा था वो व्यापक जब समझ में आया तो ये समझ में आया कि ना तो हम पैदा होते हैं ना मरते हैं, हम तो गठनशील परमाणु हैं और पूर्णता को प्राप्त करने के बाद इस मानव शरीर में इस शरीर को चला रहे हैं। तो व्यापक मैं ही होने से सारी इकाइयां ऐसे समझ में आया कि व्यापक है, व्यापक में सारी इकाइयां हैं और व्यापक के होने से सारी इकाइयां क्रियाशील है, तो व्यापक क्रिया शून्य है लेकिन उसमें क्रिया जो जो इकाइयां हैं वो सारी क्रियाशील हैं, और व्यापक के होने से ही सारे और क्या था, इतना ही समझ में आया भैया अभी। जी ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। एक छोटा सा मेरी तरफ से वो सवाल आ रहा है कि जब हम कहते हैं कि भीगापन जो है तो वो भीगापन को हम अपने में कैसे इसको विजुलाइज करते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हर इकाई व्यापक में भीगी है तो मतलब इसको कैसे देखते हैं भैया? मैं मुझे बताना भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके तो जैसे मैंने कई बार विपिन भैया को ये बोलते हुए सुना है कि व्यापक में जितनी भी इकाइयां हैं वो डूबी भीगी और घिरी हैं, तो भीगा होने से जो मैं अभी तक समझा हूँ कि जो व्यापक है वो इकाइयों के आर पार है। मैं इसको वो एक बार एक एग्जांपल देते हैं कि रुई को अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो रुई के अंदर से भी पानी चला जाता है, बाहर से भी पानी चला जाता है, तो मुझे लगता है कि व्यापक जो मेरी जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु अंश है उसके भी आर पार है, तो शायद उसके आर पार होने की वजह से इसको भीगा हुआ कहा गया भैया। तो जैसे हम एक लोहे की कोई चीज लें तो मतलब सपोज के लिए हमने एक लोहे का या स्टील का चम्मच ले लिया या और ले लिया, तो हम इस चीज को कैसे विजुलाइज करते हैं कि व्यापक उसके आर पार, भले से रुई को पानी में डाला तो पानी तो रुई के आर पार पानी चला जाता है, लेकिन जब कील को पानी में डालते हैं तो कील के आर पार तो पानी नहीं जाता है, तो जब हम कहते हैं हर इकाई डूबी हर इकाई भीगी है तो मतलब हर इकाई में लोहा भी भीग गया व्यापक में, इसको कैसे देखते हैं भैया? ये थोड़ा ज्यादा कठिन सवाल हो गया, मैंने पीरियड बंक कर दिया था सर उस दिन। अच्छा चलो ठीक है मतलब इसको हैंडल करेंगे। हाँ आपका सवाल मैं समझ गया कि रुई तो आर पार हो गया तो लोहे में कैसे आर पार हुआ, पर वो व्यापक कैसे आर पार है लोहे के? हाँ जब कह रहे हैं हर इकाई के आर पार है तो लोहे के भी आर पार होगा, बिल्कुल। कैसे हमें फील कैसे होता है, मतलब हम कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि ये मैंने कई स्टूडेंट्स को ना मतलब स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे अटके हुए देखा है, कुछ कई शिविर करने के बाद में भी ना ये वाली स्पष्टता नहीं बनती है, तो मेरा मन है कि जब तक हमारा ये सारा डिस्कशन कम्प्लीट होगा हमारी ये स्पष्टताएं बन जाए। कहीं पे और एक और चीज भैया नियंत्रण वाला इसमें है वो भी एक बार दोबारा से स्पष्ट कीजिएगा कि जैसे ऊर्जा है क्रियाशील और नियंत्रित है, तो ये नियंत्रण मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। नियंत्रण को बाद में देखेंगे, मतलब पहले ये जो सिंपल चीजें हैं जो काफी आ रही हैं इनको जो है वो एक बार सेट कर ले, आगे बढ़ाइए। बढ़िया भवन भाई, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास सामने नाम है दिव्य जी का। नमस्ते देव भाई, नमस्कार सभी को। तो देव भाई मेरे लिए तो ये पहली बार ही, मतलब मैं इस टॉपिक से अवगत हो रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, बट जिस तरह का एक्सप्लेनेशन आ रहा है मुझे लग रहा है कि शायद एंड तक थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बन पाएगी। ठीक है दिव्य भाई का कभी शिविर नहीं हुआ है, इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन सेशन से अटेंड किए और ये यूएसए में है, तो हमने पहले भी कहा था जिन साथियों को लगे कि अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है वो ऑब्जर्वर के रूप में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में बने रह सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मधु जी, आप अपना प्रस्तुति देना चाहेंगे? मधु जी, आवाज आ रही है आपको? जी भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मैं बहुत कब कभी ज्वाइन करती हूँ, हमेशा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मूवी कौन? मनोहर भाई का नाम सामने आ रहा है तो नहीं भैया, मैं तो ऑब्जर्वर रहूंगा। ठीक है, आपने पहले बोल दिया था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नलिनी जी, आप प्लीज अनम्यूट करके प्रेजेंट करेंगे। जी, सभी को नमस्ते। मैं भी अभी अध्ययन तो नहीं हुआ है, केवल एक पर्चा शिविर कर पाई हूँ भैया। तो व्यापक इतना सूक्ष्म है कि कोई भी इकाई ऐसा नहीं है जिसके आर पार ना हो सके, हर जगह व्यापक है, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ इसको। और वो सभी को बराबर अवेलेबल है, और जैसे घर में कोई, परिवार में कोई बच्चा आता है तो उसको घर का वातावरण, चाहे वो भौतिक समृद्धि के रूप में हो, चाहे वहाँ की सभ्यता के रूप में हो, बराबर अवेलेबल रहता ही है। तो वैसे ही व्यापक हर इकाई को पूरे अस्तित्व में बराबर अवेलेबल है, ऐसा मैं देख पाती हूँ भैया। जी, धन्यवाद। बराबर बोल रहे हैं तो उसका मतलब मेजरमेंट से है या? बराबर नहीं, मेजरमेंट नहीं, मतलब समान रूप से अवेलेबल, सबको समान रूप से अवेलेबल है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और कुछ ऐड करेंगे? तो जैसे अभी लोहा का एग्जांपल भैया आ रहा था जी, कि लोहा में वो कैसे आर पार होगा, तो उसको तो अभी पानी के तुलना में तो नहीं देख सकते, क्योंकि व्यापक तो बहुत सूक्ष्म है। तो वो तो हर इकाई, लोहा हो या उससे भी कोई कॉम्पैक्ट चीज हो, तो भी वो आर पार होगा ही, ऐसा मैं समझती हूँ भैया, ऐसा मैं, मेरा ध्यान जाता। जी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। हाँ, तो सुबह से वो नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम था ना, मैं सारा मतलब पूरा गड़बड़ हो गया, तो फिर मैंने किसी मतलब हस्बैंड के फोन लेके फिर उनमें कनेक्ट किया, दो में कनेक्ट किया, फिर वहां मेरा फोन पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा बारिश के वजह से। तो अभी तो क्लियर लग रहा है मुझे, तो काफी सारा डिस्कशन शायद हो गया है। तो कितना टाइम है भैया मेरे पास, तो मैं थोड़ा उसको इसी हिसाब से बोलूं, क्योंकि फिर बाकी लोगों को बोलना है, फिर और कोई डिस्कशन करना है, तो आप, थोड़ा टाइम के बोलो, आप खुल के बोलो, बोलिए। हाँ, ठीक है भैया, मैं कोशिश करती हूँ। सबको नमस्ते फिर से। और पहले मैं व्यापक के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ मतलब मैं अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। मतलब क्योंकि जो मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको मतलब बैक करने का भी वो कैपेसिटी मतलब अपने लेवल पे होना भी बड़ी बात है, क्योंकि उसको बैक करने के लिए कि एक बड़ी लेवल का मतलब एक अच्छे लेवल का हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भले का है या फिर थोड़ा सा अनुभव से पहले भी जो स्थिति है उसको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं ऐसे ही और अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उसको रियलिटी और अपनी स्थिति उसको बराबर से मतलब उसको स्टडी कर पाए, ताकि फिर हमारा स्थिति कहाँ तक जा रहा है उसको फिर हम जी पाएंगे या फिर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अपने स्थिति मतलब जो भी 2 साल का जो मेरा अध्ययन रहा
उसमें ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ऐसे तो मैं मूल्यांकन अपने आप कर ही नहीं सकती, पर मतलब इतना बहुत अच्छा स्थिति भी नहीं, ऐसे नहीं कि मैं परेशान नहीं रहती हूँ, प्रभावित नहीं रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही होती हूँ क्योंकि पहले से ही मेरा ऐसा था तो अभी भी मतलब ऐसा होता है। पर इतना पता चलता है कि मतलब समीक्षा होती रहती है, इतना पता चलता है कि गलती कहाँ हुई है, और ये इसमें अभी मतलब वो जो गैप पता चलता है कि मेरी स्थिति क्या है और रियलिटी क्या है, वो गैप में फिर मुझे हर बार मतलब हर बार जब जब भी मैं कोई चीज से परेशान रहती हूँ या फिर प्रॉब्लम फेस करती हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर मेरी कोई गैप बनी है, यहाँ पर समझ बढ़ाना है। तो इसी स्थिति में फिर और अभी भी जो भी बोलने जाऊंगी और इसमें कोई गलती हो ही सकती है, और गलती हो तो सारे मतलब भैया और जो भी, तो उनको थोड़ा सा मतलब मैं चाहूँ कि वो बोले कि कहाँ मुझे गैप है। हाँ तो हाँ तो अभी मैं बोलने से पहले मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली बाबा जी को मेरा नमन है, और बाबा जी तो बाबा जी का जो अनुभूति हुई थी वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, क्योंकि उनके उनने पहले बहुत सारे प्रोसेस के जा जाके संयमता हो के उनके लास्ट अल्टीमेट रियलिटी को उन्होंने देखा। पर हमारे केस में ऐसा है कि हमने हमारे जैसे बोलते हैं कि बाबा जी से मतलब पीएचडी का तो सिलेबस पूरा ओपन कर दिया और पीएचडी का पूरा पूरा कोर्स बता दिया, पर हमारी स्थिति ऐसा है कि हम स्टैंडर्ड वन में है, तो वो मतलब अपनी इस स्थिति में होके और वो वाला मतलब जो रियलिटी को एक्सप्रेस करना है गैप तो रहता ही है। तो इसलिए मतलब कोशिश तो हम सब कर ही रहे, और जितना भी मैंने सुना है उसको मैं ऐसे मतलब एक समरी बना के कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर हम अभी अगर हम बचपन से या फिर जब भी हमारा थोड़ा सा होश आया है हम देखेंगे ना, तो हमारा आँख खुलने से ही हमको लगता है कि आँख खुलने से ही हमको ये चीज पेश दिखाई दिया है, पर कभी हमारे मन में वो ध्यान नहीं गया। मतलब हमेशा जो जो हमारे आंखों को दिखने वाली चीज है उसमें स्पेस तो था, मतलब खालिस्तान तो था, पर हमको हमेशा ये लगता है कि मतलब हमसे कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये कोई रियलिटी है, तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये खाली है। मतलब स्पेस जब भी हमने पढ़ा हुआ है तभी हम साइंस के थ्रू ही पढ़ा है कि स्पेस है, अंतरिक्ष है, उस लेवल पे पढ़ा है, पर ये जो एक रियलिटी है उसका कोई महत्व है या ये मतलब ये कोई ऊर्जा स्वरूप है उसका हमने कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर उस पर कहीं हमने पढ़ाई या फिर कोई मतलब मैंने तो नहीं किया है। तो पहली बार दर्शन के माध्यम से उसका महिमा पता चला। तो ये जो चार अवस्था और उसके साथ जो स्पेस है ये पूरी की पूरी मतलब सह अस्तित्व है, क्योंकि स्पेस में ही मतलब हम स्पेस को तभी पहचानते हैं जैसे हमारे दो इकाई के बीच में, क्योंकि हमको पता है कि सह अस्तित्व है और सह अस्तित्व में तीन रियलिटी है, तीन रियलिटी मूल में जाएगी तो दो रियलिटी है, स्पेस और इकाई है, जड़ इकाई है। अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो स्पेस और दो रियलिटी है, एक जड़ संसार का है और चैतन्य संसार है, पर हमें उसको पहचानते तभी है जब हम उस दो इकाई के बीच में जो डिस्टेंस अभी वो खाली आंख को तो हमको जितना दिखाई देगा उतना हम समझ में आएगा उसको, तो हमको ये भी पता है कि हमारे इस मतलब हमारे धरती के वातावरण मतलब एनवायरमेंट में स्पेस मतलब ऐसे खाली स्पेस हम नहीं बोल सकते, वैक्यूम नहीं बोल सकते, पर उसमें हवा और सब कुछ है। पर अभी अगर हम खाली आंख को दिखाई देगा, खाली आंख से हम देखेंगे, पर हम दो या फिर हम अगर आकाश को अंतरिक्ष को देखेंगे और उसमें अनंत मतलब स्टार्स है, और अगर हम उनको ध्यान देंगे तो हमको ये पता चलता है कि ये जो हम स्टार्स तभी गिन पाते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई खालिस्तान है, फिर वो खालिस्तान रियलिटी के वजह से ही हम वो इकाई को पहचानते हैं। तो इसलिए फिर हमारे वो इकाई और स्पेस को हम पहचानते हैं कि स्पेस भी कोई वास्तविकता है, तो स्पेस को जो रियलिटी है उसका भी मतलब आज ने बहुत सारा नाम तो दिया है, तो उसमें से तो स्पेस को हम पहचानते जाएंगे तो स्पेस को फिर हम कैसे पहचानेंगे, उसका मतलब रियलिटी में और क्या क्या मतलब उसमें है। तो स्पेस को हम ऐसे पहचानेंगे कि वो असीम है क्योंकि उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम उसका कोई मतलब अनंत कौन या फिर अनंत तो हम इकाई के साथ लगाते हैं, पर वो उसका कोई भी मतलब हम उसका बाउंड्री नहीं देख पाते और इसीलिए हम उसको असीम बोलते हैं। स्पेस का एक नाम भी है क्योंकि स्पेस को हम कोई आकार में नहीं जान पाते, इसलिए उसका नाम भी एक निराकार है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। और स्पेस को हम खंडित भी नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम काट नहीं सकते, उसको हम कोई जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते, इसलिए वो खंडित भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अखंड है। और भी एक नाम है कि वो अद्वितीय है, अद्वितीय इसलिए है कि स्पेस जैसा और कोई नहीं है, मतलब एक एक स्पेस है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दूसरा भी स्पेस है, इसलिए वो अद्वितीय है।
इसका जैसा और कोई नहीं है। और अगर वो व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सर्वव्यापी है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मतलब जैसे हम स्पेस है, इकाई है, अंतरिक्ष हम देखेंगे, स्पेस है और वो स्टार्स है, और ऐसे भी जगह है कि इकाई भले ही ना हो पर स्पेस तो वहां पर है, इसलिए वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। और स्पेस और हम दो इकाई को हम परस्परता में हम पहचान पाते हैं कि इसलिए वो हम पहचान पाते हैं और हमें वो दिखाई देता है दूसरे इकाई इकाई, इसलिए हम उसको बोलते हैं पारदर्शी। और वो स्पेस एक ही चीज है, खालिस्तान एक ही चीज है जो पूरा 100% पारदर्शी है। जैसे हम कांच के ग्लास को लेंगे, वो तो ध्यान देते तभी तो पता चलता है कि ग्लास है, पर हम एक ही चीज अस्तित्व में 100% पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है, वो स्पेस है। तो स्पेस को हम ऐसे मतलब अगर हम खाली आंखों से देखे या फिर हम एक भ्रमित मानव भी इतना सब कुछ पहचानता है, पर और आगे आगे अगर हम जाए और स्पेस को हम पहचान की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान तो है, इतना तो हमको पता चल गया कि हाँ ये असली में है, निराकार है, अखंड है, पर इससे फिर हम लोग को क्या मतलब है, मतलब ये मेरे लाइफ में फिर क्या इसका फिर मतलब एप्लीकेशन है या फिर जरूरत है, ये तो ऐसा है। पर अगर हम पूरा ध्यान देंगे ना तो ये स्पेस जो है, मतलब अगर जड़ चैतन्य प्रकृति है और उस सारी चीज हमको अगर ध्यान रखेंगे कि जड़ और चैतन्य प्रकृति दोनों ही क्रियाशील है, मतलब जैसे पेड़ मतलब मिट्टी पत्थर वो सारा मतलब अपने अपने संरचना विरचना करते रहते हैं, और प्राण प्राण संसार अपने मतलब जैसे बढ़ता रहता है घटता रहता है, फूल पौधे मतलब, और फिर जीव संसार का भी अपना मतलब शरीर का संगठन मतलब विघटन होता है, फिर प्राण संसार ज्ञान का जो ज्ञान रूपी में हम लोग है, तो हमको भी पता है कि हम हर टाइम ऐसा लगता है कि हमारा शरीर भी काम करता है और हमारा जीवन भी काम करता है, तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि ये क्रियाशील है। तो अभी ये क्रियाशील तो है, पर क्रियाशील का जैसे बोलते हैं कि क्रियाशील फिर कहाँ से है, मतलब इसका इसके लिए फिर क्रियाशील इसका मतलब है कि वो बल संपन्न है, मतलब इसके अंदर बल है और शक्ति भी है। तो ये बल और जो शक्ति अपना जो गति रूप में और स्थिति रूप में जो बल है उसका फिर आधार क्या है, तो ऐसे भी अच्छे से हम अपने को शिविर में भी सुनने आता है कि ये जो अगर हम लोग सोचेंगे कैसे कि सब अपने 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 ही ऊर्जित है, मतलब इसके बल संपन्न और शक्ति संपन्न जो है वो अपने अपने ही हुआ है, पर ऐसा अगर बोलेंगे कि ये फिर इसमें जो हार्मोनी आता है ना नेचर में, और ये जो सारे के सारे हम अस्तित्व को देखते हैं इतना ज्यादा हार्मोनी, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब समुन्द्र भी है, नदी भी है, और कितना कितना मतलब ये जो धरती अपना जब भी विकास क्रम में आया और विकास हुआ उसको, फिर वो इतना व्यवस्थित तरीके से कैसे हुआ, और उसमें इतना इतना सुंदर मतलब धरती और सुंदर मतलब अस्तित्व, हर हर एक के लिए कैसे मतलब पूरक बन रहे हैं और एक इसको हेल्प ही कर रहे हैं, मतलब अगर मिट्टी को बने प्राण संसार को हेल्प कर रहा है, और हेल्प मतलब प्राण संसार फिर जीव संसार को हेल्प कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हम जुड़े हुए कैसे हुए हैं, और हमारे एग्जिस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन तो इतना सारा मतलब फूल पौधे खाने के लिए और रहने के लिए हवा मिट्टी मतलब एक एक चीज मतलब हमारे एग्जिस्ट के लिए पूरी पूरी कायनात ही हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि हम वो चीज का मतलब समिष्ट में मतलब समूहित में हम लोग को वो हेल्प कर रहे, इसलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये इतना व्यवस्थित कैसे हो सकता है अगर वो अपने अपने तरीके से उर्जित होगा, तो इसलिए मतलब लॉजिक तो ऐसे लगाया है, पर ये लॉजिक से तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये अनुभूति में ही आने वाली चीज है, पर बाबा जी ने इसको हम आम लोगों के लिए मतलब समझाने के लिए इसमें लॉजिक लगाने के लिए कुछ मतलब तर्क से सुन मतलब इसको हम समझ पाए और इसको हम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए वो इसको इस तरीके से बोला है कि अगर वो अपने अपने तरीके से उर्जित होते तो ये कभी इतना व्यवस्थित नहीं होते, इसलिए वो ये जो और सबके बीच में क्या है, खालिस्तान है, स्पेस है, क्योंकि स्पेस तो हमको जैसे हम साइंस भी बोलता है कि अगर हमको ऐसे दिखाई देता है खाली अक्षय की स्पेस है, पर हमको ये भी नहीं, ये हमको खाली अक्षय नहीं पता चलेगा कि एटम के अंदर भी स्पेस है, पर साइंस बोलता है कि इस हर एक परमाणु मतलब के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स घूमते हैं उसके बीच में स्पेस है, अगर हम उसको और भी मतलब जैसे साइंस काटता है या फिर उसको विखंडन करता है तो उससे उसके अंदर भी स्पेस है, इसका मतलब ही हर जगह स्पेस है, तो फिर हमको लगता है कि ये रियलिटी तो दो है, एक जड़ और चैतन्य और एक दूसरा स्पेस है, तो फिर ये ऊर्जा, फिर ये खालिस्तान खाली नहीं है, तो ये एक ऊर्जा स्वरूप है, इसका मतलब इसीलिए ही ये सारा चीज जो भी इसके साथ मतलब इसके ऊर्जा स्वरूप के अंदर ही जब रहते ये चीजें तो ये अपने आप ऊर्जित होते हैं, रहने मात्र से ही ऊर्जित होते हैं, तो इसीलिए उसका नाम फिर हम इसको मतलब मूल ऊर्जा बोला, क्योंकि इसका जो मूल ऊर्जा मतलब सोर्स जो ओरिजिन है वो वही है, तो मूल ऊर्जा है,
और मूल ऊर्जा से ही हम रहने मात्र से ये जितना सारा जो इकाई रहते हैं वो रहते ही ऊर्जित होते हैं। तो ऊर्जित होते तो जो दर्शन सर उसको क्रियाशील उसके ऊपर व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। प्राण संसार उसको क्रियाशील के साथ स्पंदनशील भी स्पंदनशीलता व्यक्त करता है, क्योंकि क्रियाशील मतलब है ही है, परमाणु तो है, और स्पंदनशील मतलब वो सांस लेने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है इसलिए वो बढ़ता है। और जीव संसार उसको उसके साथ क्रियाशीलता भी है क्योंकि परमाणु से गठा हुआ इसका शरीर, और स्पंदनशीलता है वो सांस भी लेता है और वो जीने की आशा के रूप में व्यक्त है। क्योंकि अब कोई भी हम जीव देते हैं वो उसको जीवन चलाता है, वो मिनिमम एक्सप्रेशन उसका जीने की आशा रहता है। उसके बाद ज्ञान अवस्था उसको जो क्रियाशीलता स्पंदनशीलता और जीने की आशा के रूप में व्यक्त होता है। तो ये सब उसी मतलब ये रहने मात्र से ये सारा चीज होता है। और ये जो स्पेस की हम बात करेंगे फिर वो किस मतलब उसमें इकाइया है, डूबा भी है घिरा भी है, और डूबा भीगा और घिरा भी है। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लिया कि पानी और रुई वाला जो सब बोल रहे थे कि जैसे लोहे में अगर हम पानी डालेंगे तो लोहे के तो घिरा तो रहेगा पर वो डूबा मतलब उसके अंदर नहीं आएगा, भीगा नहीं होगा, और डूबा भी रहेगा घिरा भी रहेगा पर वो भीगा नहीं होगा, उसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए हम वो पानी के एग्जाम्पल रुई के साथ लेते हैं। जैसे रुई अगर पानी में हम डालेंगे तो रुई के अंदर भी जाता है, वो भीगा भी रहता है, डूबा भी रहता है और घिरा भी रहता है। तो ये तो जड़ संसार की हम बस इसके कल्पना में लेने के लिए कि हम थोड़ा समझ पाए इसलिए हम इस तरीके से उसको एग्जाम्पल ले रहे हैं। और अगर हम उसको जैसे चाशनी वाला भी एग्जाम्पल आता है कि जैसे जलेबी चाशनी में डालते हैं तो वो चाशनी में जैसे ही डालते हैं तो जलेबी का वैसे भी रूप हो जाता है। अगर चाशनी का मतलब मीठा कम है तो मीठा कम लगता है, और अगर जो भी उसका स्थिति रहता है वो चाशनी में उसको चाशनी डुबाने से होता है, मतलब उसमें चाशनी में कोई चेंज नहीं आया पर वो जलेबी उसमें डुबाने से उसका वो स्थिति आ गया। तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो इकाई है ये पूरे के पूरे अस्तित्व है, इसीलिए ये दोनों मतलब अस्तित्व इकाई और व्यापक का पूरे मिलन ही है। उसको व्यापक है और इकाई होने मात्र से उसका उसका फिर वो क्रियाशील होता है और बल संपन्न होता है, और बल उसमें शक्ति और जब गति में आता है वो शक्ति संपन्न होता है। तो इसका भी मतलब फिर ये तो एप्लीकेशन हो गया मतलब व्यापक का एप्लीकेशन, व्यापक का हमने रूप देख लिया, रूप तो है ही नहीं वो, पर हम उसके समझने के लिए उसको हमने निराकार असीम और ये ऐसे किया, और उसका एप्लीकेशन ऐसा है कि वो मेरे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं इसमें कैसे आ गई हूँ। तो इसमें अगर मैं ऐसे देखूंगी कि फिर मेरे स्थिति ही व्यापक के वजह से तो नहीं बोल सकते, पर वो सह अस्तित्व का पूरा दोनों का सह अस्तित्व का ही ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो फिर अभी मैं इसको कैसे पहचानूं, तो जैसे बाबा जी ने बोला कि ये जो हमारे अंदर जो जीवन में जो 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 भी मतलब मन वृत्ति चित्त बुद्धि है आत्मा है, तो आत्मा में वो ताकत है कि वो उस जो और एक व्यापक में वो बहुत ही मतलब महिमा बताती हूँ जो क्रियाशून्य है, क्योंकि उसी महिमा की वजह से काफी सारे चीज समझ में आता है। अगर हम अंतरिक्ष में देखेंगे, वैक्यूम में देखेंगे, वहां कोई क्रिया का हमको नहीं मतलब साइंस वैसे बोलता है वहां भी कोई क्रिया नहीं हो रहा है, तो इसमें ये पता चलता है कि व्यापक क्रियाशून्य है। तो क्रियाशून्य की वजह से ही क्या है कि ना वो जैसे क्रियाशून्य हो गया इसलिए हम उसको खंडित भी नहीं कर सकते, क्रियाशून्य हो गया इसलिए हम वो आता भी नहीं है, कहीं जाता भी नहीं है, क्रियाशून्य हो गया इसलिए वो उससे कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और क्रियाशून्य के वजह से उसको मतलब हम कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो महिमा है ना, इसलिए हम बोलते कि फिर व्यापक को हम अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे वो कहाँ से आया है, तो इसलिए क्रियाशून्य है ना, कोई आता है ना कोई जाता है, इसलिए उसका नित्य वर्तमान है, मतलब सदा सदा सा ऐसा ही है, हमेशा अनंत काल से मतलब काल की गणना नहीं है तो ऐसा ही है वो। तो उसी में ही हमारा सारा ये जो इकाई है उसमें ऊर्जा के रूप में व्यक्त होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, जैसे मैंने बताया कि जो जड़ संसार में, प्राण संसार में, और जीव संसार में, और ज्ञान संसार में। तो ये फिर व्यापक अगर ऐसा है तो सहअस्तित्व फिर ये दोनों मिलके फिर इसको हम सहअस्तित्व बोलते हैं। तो सहअस्तित्व अगर व्यापक कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो इसका यही मतलब कि वो नित्य वर्तमान है। तो इसलिए असहअस्तित्व इसलिए बोलते हैं कि नित्य वर्तमान है, इसका मतलब वो है और वो
इसमें हमको जो लगता है कि हम जो मतलब आगे पीछे का बात करते हैं वो धरती के कोई एक धरती विशेष की धरती की कोई एक मतलब जो स्टेजेस में चेंजेस आते हैं तभी हम पता चलता है कि ये कोई आगे पीछे का, हम तभी भी वो क्रिया की जो मतलब एक जो क्रिया की अवधि होती है उसको हम समझते हैं कि ये टाइम का गणना है। पर ऐसे सोचेंगे तो ये नित्य वर्तमान है क्योंकि अभी इस धरती में हमारा कोई मतलब विकास जागृति क्रम चल रहा है, कोई और धरती होगा जहां पर जागृति होगा, कोई और धरती होगा जहां पर कोई मतलब मिट्टी पत्थर जैसे हम देख रहे हैं ना, और कोई और भी धरती होगा जिसमें जीव संचार होगा, कोई और भी धरती होगा जिसमें सिर्फ प्राण संचार होगा। इसका मतलब है कि ये नित्य वर्तमान में सब कुछ है, वो वर्तमान में ही चल रहा है और नित्य प्रगटनशील भी है क्योंकि जब भी मतलब व्यापक और ये जो इकाई के बीच में जो भी इकाई एक्सप्रेस करता है वो प्रगटनशील ही है, मतलब अपने आप स्वयंस्फूर्त तरीके से जीव संसार अपना काम कर रहा है, प्राण संसार अपना काम कर रहा है और सारा संसार अपना काम कर रहा है, तो नित्य प्रभावी है। और क्योंकि वो सारा संगठन विघटन संरचना विरचना होता रहता है तो नित्य प्रभावी है, तो ये सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है और सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। और सह अस्तित्व के बारे में अगर हम व्यापक के बारे में और अगर हम उसको जानेंगे कैसे जानेंगे, आवाज आने बंद हो गई प्रतिभा की आपकी, आपको भी नहीं आवाज नहीं आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही। प्रतिभा जी आवाज नहीं आ रही आपकी, उनका वो आइकन भी चला गया है तो शायद। अच्छा अच्छा ओके। मीनवेल आगे मूव ऑन करें भैया। हाँ कर सकते हैं जी। पहचानेगा चित बुद्धि को पहचानेगा तो बुद्धि आत्मा को पहचानेगा, फिर आप अपने वो स्थिति आएगा तो आत्मा फिर परमात्मा में अनुभूत होगा, तो जब भी वो परमात्मा में अनुभूत होगा फिर वो उसको फिर वो अल्टीमेट स्टेज को पहुंच जाएगा और उसके बाद वो सदा सदा अनंत काल के लिए वो फिर उपकार विधि में चलेगा कि बाकी लोगों को फिर मतलब अपने जीवन में फिर वो समाधान आएगा, समृद्धि आएगा, फिर वो समाज में भी अभयता आएगा और पूरे के पूरे सह अस्तित्व को जब एक्सप्रेस करेगा तो फिर वो अखंड समाज व्यवस्था में आ जाएगा। तो ये सारा मतलब सह अस्तित्व का एक्सप्रेशन है और उसमें मानव है और मानव में हमारा जीवन परमाणु है और जीवन परमाणु में आत्मा है जो इस सबको एक्सप्रेस करता है, तो ये सारा मतलब ये तो इतना बोल के फिर कैसे लग रहा है, मैं वही सोच रही हूँ। तो ये सारा उसका एक्सप्रेशन है, तो अल्टीमेट स्टेज में तो हमारे वो कैपेसिटी हम उसको पहुंच पाएंगे, तो इतना मतलब बोलना चाहती हूँ। वेरी गुड, बढ़िया, स्टेप लाइक चलाएं आगे जी भैया। मतलब ये और आगे के मतलब क्या बोलूं, थोड़ा एक सीक्वेंस में बोलना चाहती थी तो उतना तक बना, और आगे अगर कहीं मतलब सेशन में कुछ और भी डिटेल में मतलब जैसे बारीकी में बात करेंगे हम उस पे एक एक पॉइंट में, तो उसमें कुछ मैं और भी थोड़ा ध्यान दूंगी क्योंकि जैसे आपने बोला जैसे बाकी हम सेशन सुनते हैं तो क्या होता है कि हम सुन लेते हैं कि हाँ भैया तो बोल रहे, चलो ठीक है, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो गया या कुछ काम कर लिया, तो जब भी आपने लास्ट बोला कि बोलना है तो फिर मेरे ध्यान एकदम चला गया कि बोलना है बोल। जब भी हम 10-15 लोग के मतलब जितने भी हम दो लोग भी बोलते हैं तो उसमें कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि शायद फिर भी मैं बोलना है फिर वो सही ढंग से हो, फिर उसमें फिर मेरे ध्यान जाता है। तो एक हफ्ते से मेरा काफी ध्यान गया कि नहीं मतलब मैं अगर 15 लोगों के बीच में बोल रही हूँ तो मेरे उसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, और भले ही वो गलती होती है क्योंकि अभी तो इतना प्रैक्टिस भी नहीं है और इतना अध्ययन भी मतलब ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, तो जितना अभी तक का सुना है जो भी मतलब एक्सपीरियंस किया है उसमें थोड़ा सा, और जब भी मैं बोलने के लिए भी कोशिश की मतलब सोचा तभी मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है उतना ही बोलना है, ऐसा नहीं आया ध्यान में, इतना और ध्यान ये भी आया कि मेरी स्थिति भी क्या है, क्योंकि मैं अगर कोई सभा में बोलती हूँ तो फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं वो बोलती हूँ तो मेरे मतलब जीने में कितना आया है, तो वो फिर मेरे जीने की मतलब जो स्थिति है उसमें भी एकदम पूरा दिखता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या कितना गैप है, कितना वो है,
तो ये दोनों चीज मतलब एकदम से दिखाई देता है कि मतलब मेरे पास क्या, मैं स्टडी कैसे कर रही हूँ और मैं उस स्टडी में मेरी स्थिति क्या है, कि मेरे के अंदर कुछ गैप है क्या है वो है, तो भी ध्यान में आता है। तो ये अच्छा है कि लास्ट एक हफ्ते से आपके वजह से। नहीं नहीं, नहीं अच्छा है। मेरे को लग रहा है ये वाला फॉर्मेट जो है ये हम सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये व्यर्थ होने से काफी स्पष्टताएं बनती है और मतलब आपका तो काफी गहरे से मतलब ऐसा पता चल रहा है कि आप समय लगाती हैं इतना मतलब इतना सब कुछ कह पाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देव भैया आगे चलाए। नमस्ते सभी को। म्यूट है देव भाई जी। जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिबरेवाल भाई आप प्लीज अनम्यूट करके। जी जी भाई साहब जी, नमस्ते आप सभी को। व्यापक को तो मैं ऐसे देखता हूं कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फील भी करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इंद्रियों से परे, इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। भौतिक चीजों को हम अपनी इंद्रियों से समझते हैं, तो जब हम इंद्रियों से परे देखेंगे तो भासाभास में हम फील करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्व विद्यमान है, सब तरफ फैली है। ये स्पेस है, जैसे हम आपस में भी कहते हैं कि हमें स्पेस दीजिए, हमारे में स्पेस होना चाहिए। और अदरवाइज भौतिकता में भी देखेंगे, अगर हमें किसी कॉम्पैक्ट रूम में एकदम क्लोज में सेल में रखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, और ज़्यादा देर रहना पड़े तो हम बहुत अनईजी महसूस करेंगे, यहाँ तक कि बीमार भी हो जाएंगे। तो कैसे अनईजी महसूस कर रहे हैं एक एकदम छोटे कमरे में, एकदम पतली दीवारें हैं और एकदम क्लोज है, तो हम कहेंगे वहाँ स्पेस नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। जब हम बड़े कमरों में बड़ी जगह जाते हैं, खुले आकाश के नीचे जाते हैं, तो हम बहुत कम्फर्टेबल और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दैट इज स्पेस, उसको मैं वैसे देखता हूँ। तो व्यापक स्पेस है, शून्य है, जिसको हम फील कर सकते हैं। ये सर्व विद्यमान है और ये वर्तमान में भी है, और इसको हम जैसे जैसे फील करते हैं तो हम और देखते हैं कि ये चैतन्य स्वरूप भी है। ये हर समय है, जैसा आप सबने बताया और हमने पठन किया है, ये पारगामी है और ये पारदर्शी है, और ये हर समय ऐसा ही रहता है, प्रत्येक काल में समय में। और जैसा हमने देखा व्यापक में इकाइयां हैं, तो हम सब इसमें डूबे हैं, भींगे हैं, घिरे हैं। इसको हम फिर अपने उससे देखेंगे कि इसमें हम हैं ही। अगर हमारे बॉडी में भी अगर स्पेस नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, हमारे ऑर्गन काम नहीं कर पाएंगे। हमारे ऑर्गन में भी स्पेस है, अणुओं में भी स्पेस है, तभी वो क्रियाशील बने हुए। तो उससे पता लगता है कि डूबे हैं, घिरे हैं, चारों तरफ है, उसी वजह से हम खड़े हैं। और ये चैतन्य है, इसलिए हमें इससे ऊर्जा संपन्नता मिल रही है। जैसे हमने कहीं पढ़ा था कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी में ऐसी कहाँ से शक्ति आ रही है, ये ब्रह्मांड गतिशील है, ये कहाँ से ऊर्जा आ रही है। तो इसको हम निरपेक्ष ऊर्जा से समझते हैं, इसकी जैसी पात्रता क्षमता होती है उसे वैसी ही ऊर्जा बल संपन्नता की प्राप्ति होती है। ऊर्जा जन ऊर्जा संपन्नता ये चुंबकीयता पैदा करती है, और व्यापक में प्रत्येक इकाइयां क्रियाशील है, जो सम विषम और मध्यस्थ की क्रिया कर रही है। ये जो ऊर्जा है ये नियंत्रित है, जैसे हम देखते हैं अणु में भी ऊर्जा है, लेकिन ये ऊर्जा नियंत्रित है। जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो हम एटम बम जैसी घातक चीजें प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये नियंत्रित है और कुछ बैकग्राउंड नियम से, सिस्टम से, व्यवस्था से चल रही है, इसमें संतुलन है। और हम ये देख के तो आ रहे हैं कि ये नित्य वर्तमान है ही, और ये जो संतुलन और ये जो नियम चल रहा है ये नियति सहज से चल रहा है। तो व्यापक को मैं इस तरह समझता हूँ। Very nice.
अब ये बीच में व्यापक की चैतन्य है कुछ ऐसा भी शायद आपने बोला, वो मेरे सुनने में आया या आपने कहा ऐसा? जी जी मैंने कहा था भाई साहब, आपने सही सुना। थोड़ा इलेबोरेट कीजिए जी। हम व्यापक को देखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि व्यापक में आप कोई भी एग्जांपल ले लें, एटम का ले लें, आप हमारी मदर अर्थ का ले लें, तो हम समझते हैं कि ऊर्जा, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है। और भी आप गहरे देखेंगे तो ये ऊर्जा है, ये हमारे बॉडी में भी केवल खाने से नहीं आती है। कई बार हम देखते हैं कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, या कई ऐसे लोग हैं फास्टिंग कर रहे हैं फिर भी ऊर्जावान बने रहते हैं। तो ये ऊर्जा क्रियाशील है, ये ऊर्जा कुछ श्रम गति कर रही है। तो श्रम हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है तो एक समझ के साथ हो रही है। ये जो समझ है उसमें, उस समझ से नियंत्रण आप देखेंगे, जैसे फ्लावर खिल रहे हैं, फ्लावर एक सिस्टम से खिल रहे हैं, एक नियम से ऋतु आती है, तो ऋतु भी आ रही है नेचर में, कैसे आ रही है। तो केवल पदार्थ जड़ प्रकृति में हमने दो चीजों को देखा, एक जड़ और चैतन्यता। चैतन्यता हमें मूव करती है और इससे हम अलाइव रहते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। चैतन्यता मतलब समझना, समझ, फीलिंग। तो हर चीज में पहचान है, हमने ये भी देखा है, हर चीजें एक दूसरे को पहचान रही है। केवल मानव ही हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, बाकी हर चीजें पहचान रही है। जब एक दूसरे को पहचान रही है तो इसका मतलब उनमें समझ है। ये समझ को हम चैतन्यता से समझ सकते हैं कि उनमें एक हारमोनी है। तो इससे चैतन्यता मैं समझता हूँ। अगर ये हारमोनी डिस्टर्ब हो जाएगी तो प्रत्येक वस्तु भी कहेगी कि सारी सारा स्पेस मेरा। फ्लावर कहेगा भाई बगल वाला फ्लावर क्यों आ गया, ये तो हमारा एरिया है। वो अनसमझ, तो नेचर में एक समझ है, तो वो समझ को हम चैतन्यता की तरफ इंगित करते हैं, ऐसा समझता हूँ भाई साहब। चलिए तो बाद में जब रैप अप करेंगे तो देख लेंगे इसको भी, बढ़िया है उनके लिए आगे बढ़ाएंगे। आपका कुछ प्रश्न हो देव भाई, आप भी अपने साथ साथ जो है पल्लव। रैप अप के टाइम पे बात करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। उमा भाई आप अनम्यूट करके कुछ बोलेंगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ भैया जी नमस्कार, संजीव भैया नमस्कार। हाँ भैया जी, हमको जहाँ तक इसमें अभी तक जो स्टडी किया हूँ और आप लोग के सानिध्य में जो मैं जान पाया हूँ, उसमें मैं ऐसे देखता हूँ कि देखने जाता हूँ तो वो दो वास्तविकता दिखाई देती है, एक तो जड़ है, एक व्यापक। व्यापक वास्तविकता को अगर हम देखने जाते हैं तो अभी हमारे बहुत सारे साथी व्यापक के बारे में बोले, हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन जड़ को देखने जाते हैं तो उसमें देखने जाते कि कुछ दिन कुछ देर तक विकास क्रम विकास रहता है, उसके बाद जब वो चैतन्य में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है उसमें दिखाई देता है कि चैतन्य। तो अब विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति की एक सीक्वेंस बनती है जड़ को देखने जाते हैं तो। अब ये व्यापक को देखने जाते हैं तो व्यापक में एक जो अभी बाबा जी ने लिखा भी है इस बुक में कि भींगा हुआ, डूबा हुआ और घिरा हुआ, ये दिखाई देता है। तो व्यापक को और गौर से देखते हैं तो ऐसे पता चलता है कि व्यापक में ही, व्यापक के लिए ही और व्यापक से ही, से नहीं में से के लिए, इतना दिखाई देता है। और उसके बाद जब भींगा हुआ शब्द को देखने जाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि अगर किसी चीज में कोई चीज है उसमें कोई चीज भींगा हुआ है ना, तो उनसे जो ऊर्जा जो संपन्नता है कोई भी चीज, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं या जो भी हमारा इकाई है, वो इकाई जो क्रियाशील है तो वो इकाई की क्रियाशीलता इन्हीं के कारण है,
ऐसा मैं देख पाता हूँ भींगा हुआ शब्द से, डूबा हुआ सॉरी भींगा हुआ शब्द से ऊर्जा संपन्नता देख पाता हूँ। भैया थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है शब्द क्योंकि बैठा नहीं है। भींगा हुआ शब्द से उनकी ऊर्जा संपन्नता को मैं देख पाता हूँ कि वो इकाई हमेशा ऊर्जावान बनी रहती है, चाहे कोई भी इकाई हो उसमें ऊर्जा हमेशा रहता ही रहता है, ऐसे दिखाई देता है। जब डूबा हुआ तो देखता हूं तो डूबा हुआ से उनकी क्रियाशीलता दिखता है कि वो क्रियाशील एक्टिवनेस जो होता है वो दिखाई देता है। और तीसरी बात है जिस पर बार बार हम लोग जिक्र कर रहे थे, जो मुझे इसके बारे में समझ में आया है वो है घिरा हुआ, है ना बोल रहा हूँ भैया? हाँ या ना करिए जरूर। आप चालू रखे भैया। जी जी, तो घिरा हुआ से ये समझ में आता है कि घिरा हुआ अगर है कोई व्यक्ति, अगर व्यापक न रहे, व्यापक से कोई चीज घिरा हुआ ना रहे तो कोई चीज अपने सेप साइड में रह ही नहीं सकता है, ये मुझे समझ में आता है। तो घिरा हुआ एक्चुअली सेपरेट करता है, जैसे मैं हूँ आप हो, मैं हूँ मोबाइल है, ये सब जो अलग अलग इकाई दिखता है वो घिरे हुए होने के कारण ही होता है कि हम व्यापक से घिरे हुए, जिसके कारण सेपरेशन है। डूबा हुआ से फिर से बोलो कि जो हम बोल रहे हैं अभी, जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो डूबा हुआ से है। तो ऐसे मैं देखता हूँ डूबा हुआ, घिरा हुआ और भींगा हुआ को। अब आगे और व्यापक के बारे में देखने जाते हैं तो और दिखाई देता है कि यही एक महाकारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। ये महाकारण के रूप में इसलिए दिखाई देता है कि इसके बाद कोई कारण ही नहीं है और ना हम देख पाते इस। दूसरी बात, अगर ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखते हैं फिर प्रकृति को, तो हमको दो चीज दिखाई देता है, निरपेक्ष ऊर्जा और सापेक्ष ऊर्जा। जब निरपेक्ष ऊर्जा की बातें करते हैं तो उन ऊर्जा की बातें करते हैं, ऊर्जा तो है लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, वो क्रिया शून्यता में है, जिसके कारण हम व्यापक को शून्य भी बोलते हैं। तो वो शून्य है, वो है नहीं, मतलब वो एक्टिविटी में नहीं रहता है, ऐसा दिखाई देता है। और एक पूर्ण शब्द भी इनके लिए हम लोग यूज करते हैं व्यापक के लिए, तो पूर्ण का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी पूर्ण है, इनको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है इनके साथ में, ये ऑटोमेटिक ये पूर्ण है ना। और पूर्णता जो है, हमको दूसरे जो पार्ट अभी देखे थे जड़ और यह चैतन्य, ये दोनों पार्ट में पूर्णता की आवश्यकता आ जाए तो दोनों मिल करके संपूर्णता हो जाए, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी बात, जैसे कि इसमें तो बहुत सारे दीदी और भैया सब बात भी किए थे, निराकार कहते हैं इसको, अपरिमित कहते हैं क्योंकि इसका कोई सीमा ही नहीं है, तो सीमा नहीं है तो एक अलग वर्ड है, आकार नहीं है इसलिए निराकार है। तो व्यापक को मैं ऐसे देखता हूँ। और अगर हम व्यापक को जड़ में देखने जाते हैं, जिसको हम जड़ प्रकृति बोलते हैं, तो अगर जड़ को देखते हैं तो जड़ में केवल अंश दिखाई देता है, अंश में घटना बढ़ना होता है, जिसके कारण वो अंश जो है एक व्यवस्था को बनाता है मिल करके, उस व्यवस्था को हम परमाणु के नाम से जानते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं। तो उस व्यवस्था को देखने जाते हैं, उस अंश को भी देखने जाते हैं, तो अंश में भी एक गुण है कि अंश का भी कभी विनाश नहीं होता है, अन्ना ये व्यापक का कभी विनाश होता है। ये दोनों आकर के यहाँ पर हमको इकट्ठा दिखाई देता है कि ना इसका विनाश होता है ना उसका विनाश होता है, जिस कारण हम वास्तविकता को दो भागों में बांटते हैं। अब अंश जड़ का भी विनाश नहीं होता है, लेकिन जड़ और व्यापक में एक अंतर ये दिखाई देता है हमको कि जड़ जो है मरणशील है। मरणशील का मतलब भैया यहाँ पर फिर हम परमाणु से कह रहे, क्योंकि वो हमेशा इकट्ठा हो करके या परिस्थिति में आकर के, सम विषम परिस्थिति में आकर के इकट्ठा हो करके एक व्यवस्था का निर्माण करना शुरू कर देता है। व्यवस्था का मतलब जड़ से वो परमाणु से है मेरा, है ना। लेकिन व्यापक मरणशील नहीं है, यहाँ पर आकर दोनों में क्लियरिटी है कि इनमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, अजन्मा है, न मरता है न कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। अजन्मा शब्द पता नहीं ये प्रॉपर है कि नहीं है, लेकिन ये मरणशील तो नहीं है कम से कम, और ये मरणशील दिखता है जब। और जब हम इनकी उसमें होने की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि ये बिल्कुल इसमें भीगा हुआ है या उसके
आरपार है ना, वो परमाणु के आरपार है। तो परमाणु के आरपार होने से मतलब मेरा ये है कि जब अंश चारों तरफ घूमता है, या जिसमें आप दो गति की बातें करते हैं, वर्तुल गति और कंपनात्मक गति, तो वहां पर जब गौर से देखते हैं जाकर के, तो हमको ये पता चलता है कि डिस्टेंस तो है और डिस्टेंस के बीच में फिर व्यापक है, ऐसा दिखाई देता है ना। अंश जो मध्यस्थ है, मध्यस्थ उसके बाद फिर अंश, फिर अंश, फिर अंश, ये जो चारों एक परिक्रमा कर रहा है, ये चारों तरफ जो घूम रहा है जिसको हम वर्तुलात्मक गति कहते हैं, उसमें देखने जाते थे डिस्टेंस तो है और डिस्टेंस होने के कारण, डिस्टेंस होने के कारण फिर उसके बीच में व्यापक है, ऐसा दिखाई देता है। व्यापक मीन्स स्पेस, स्पेस मीन्स जगह, जगह मीन्स ऊर्जा संपन्नता उसके अंदर में होता है जो कि अक्रियाशील होता है। व्यापक के बारे में आपने पूछा था क्वेश्चन, तो व्यापक को हम यहीं पर सीमित करेंगे। ज्ञान के रूप में भी देखते हैं, क्यों ज्ञान के रूप में व्यापक में क्यों देखते हैं, क्योंकि ये सभी भैया ज्ञान के रूप में क्यों देखते हैं, ये तो मेरे दिमाग में से हट रहा है ना, ऐसे हम देख पाते सर भैया व्यापक, व्यापक के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि आपने व्यापक शब्द के बारे में ही पूछा है, और पारदर्शी है, पारगम्य है, निरपेक्ष ऊर्जा है और चेतना, इसीलिए कहा है व्यापक को, जहां तक मैं अभी तक समझा हूं भैया, तो बताइएगा इसके बारे में, इस पर आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि व्यापक में इतना कुछ हुआ, कारण है और भी चीज है, ये प्रकृति है, सब कुछ महाकारण तो व्यापक ही है, तो ये सब कुछ जो हुआ तो किसी उद्देश्य के लिए हुआ होगा, और उद्देश्य के लिए हुआ है तो वो उद्देश्य की पूर्ति करने वाला, उनको समझने वाला कोई है, तो वो है चेतना, समझने वाला है, इसीलिए हम व्यापक को चेतना के रूप में भी जानते हैं, ऐसा मैं तर्क मतलब हमको जो समझ में आया है। तो भैया हम व्यापक व्यापक पर ही रहे, जड़ चैतन्य पर, जड़ पर और चैतन्य पर अभी ना जाए, केवल व्यापक के बारे में आपने पूछा था भैया, व्यापक के बारे में इतनी समझ बनी है, बस भैया थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, ये व्यापक और साथ में सह अस्तित्व जो है ना, मतलब तो अगर वो उसको भी कवर कर ले साथ में तो बढ़िया रहेगा। अच्छा अच्छा, तो सह अस्तित्व भी है, ठीक है ठीक है, बोलो भैया या हाँ हाँ बोलो। अच्छा, तो जब हम सह अस्तित्व को देखने जाते हैं, व्यापक है, जड़ है, जड़ को भैया मैंने और थोड़ा सा दिमाग में आया कि जड़ होगा कभी तो जड़ ही जड़ होगा, बस कुछ नहीं होगा, फिर वो परमाणु बना होगा, और फिर जब हम विकास क्रम विकास की बात करते तो उसमें विकास होगा, फिर वो गठन पूर्ण हुआ होगा, गठनशील से गठन पूर्ण हुआ होगा, और गठन पूर्ण से गठन पूर्ण होने के बाद चैतन्य इकाई आई होगी, और चैतन्य इकाई आने के बाद में जो सब चीज है, ये जो पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, ज्ञानावस्था है, ये सब अवस्था धीरे धीरे विकास क्रम विकास विकास क्रम विकास से, लेकिन जीवावस्था के बाद, जीवावस्था के बाद ऐसे दिखाई देता है कि ये अब चाहिए हमको चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई जो बना वो जड़ परमाणु से ही बना हुआ है, जड़ से बना हुआ है, तो यहां से अब जागृति क्रम जागृति की जरूरत है। तो ऐसा पता चलता है कि अगर हम क्रिया के रूप में देखने जाते हैं तो भौतिक क्रिया दिखाई देती है, रासायनिक क्रिया दिखाई देती है और चैतन्य क्रिया दिखाई देती है। तो भौतिक क्रिया अपने आप में पूरा होकर के एक धरती बना हुआ है, चैतन्य सॉरी रासायनिक क्रिया अपने आप विकसित होकर के, यानी अल्टीमेटली इससे ज्यादा विकसित नहीं हो सकती है, तो एक नर्वस सिस्टम बना हुआ है जिसको हम हिंदी में नहीं पता, नर्वस सिस्टम बना हुआ है जो हम लोग के पास में है, हाँ मेधस, मेधस तंत्र बना हुआ है, और मेधस तंत्र बन करके ये भौतिक और रासायनिक क्रिया की पूर्णता को हम देख पाते, कंप्लीटनेस को देख पाते कि ये ठीक यहाँ तक आ चुका है। अब जो है अगली बातें हैं कि चैतन्य, चैतन्य पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण कैसे होगा, तो वो पूर्ण होगा जब इनको अस्तित्व में वो अपनी उपयोगिता को समझ ले, यानी अनुभूति या अनुभव को प्रमाणित करना शुरू कर दे, तो ये चैतन्य पूर्ण हो जाएगा। ये तीनों दो क्रिया पूरा है, एक क्रिया हमको समझने या हम मानव जाति को समझने की जरूरत है, और जब ये सभी में हम संतुलन बैठा के चलेंगे, ये चारों अवस्था में तीनों अवस्था में हमारा दायित्व ज्यादा है, तीनों अवस्था को संतुलन में बनाकर चलना, संतुलन में बनाकर कैसे चले
इस दर्शन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारे बिहेवियर में दिक्कत आ रही है और कहाँ कहाँ हमको सुधार की जरूरत है। जब ये आ जाएगा तब हम कह पाएंगे पूरा रूप से कि मैं सह अस्तित्ववादी प्रवृत्ति के साथ या सह अस्तित्ववादी विधि से मैं जी पाता हूँ। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दर्शन ही पढ़े, बिना दर्शन पढ़े हुए भी आप हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कि बहुत आदमी ऐसा है जो जी पा रहा है। बस दर्शन में हमको एक बात की बहुत अच्छी बात ये समझ में आती है कि हमारा तर्क सेटिस्फाइड हो जाता है और हम और अपनी पॉइंट को तर्क के साथ जीते हैं और क्लियरिटी के साथ जीते हैं। जब क्लियरिटी के साथ किसी चीज को हम प्रमाणित कर पाते हैं तो हमको जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति की चाहत सब है, वही चीज इसी को हम सह अस्तित्ववादी कहेंगे। सर पूरा इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे भैया इतना कम समय में, क्योंकि एक सीक्वेंस ही में चलेगा सब। भैया जी सभी को धन्यवाद, मेरे तरफ से इतना ही है ना जी। एक चीज और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी को कि हम लोग कभी कभी जो आदर्शवादी में कभी कभी हम लोग जो इंद्रिय जो ये जो है इंद्रिया है ना उनमें कभी कभी ये लग जाता है कि ये बेकार की चीज है ऐसा, तो इस पर हम ध्यान आकर्षित इसलिए कराएंगे क्योंकि बार बार हम जब देखते हैं सुनते हैं बाबा जी का एक लाइन भी है कहीं पर कि ये अगर नहीं होता, इंद्रिया नहीं होता तो सुख की अनुभव ही नहीं होता, फिर आनंद परमानंद ये सब हम कहां से समझ पाते। तो इनकी इनको सह अस्तित्ववादी विधि से ये नियंत्रित हो जाए इंद्रियां और ये चारों अवस्थाओं में के भला के लिए हो जाए, माने चारों अवस्था में संतुलन बनाने के लिए आ जाए। तो ये एक मेन पॉइंट था, पंचिंग पॉइंट था, जब हम किसी चीज को करते हैं तो यहाँ पर दिख पाता है, इसलिए भैया ये शेयरिंग था जी। भैया बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जी आप अनम्यूट करके भजन करेंगे प्लीज। जी जी भैया सबको नमस्ते। संजीव भैया जी ने जिस तरीके से ये एक प्रोसीजर रखा है ये बहुत ज्यादा अच्छा है और मतलब तैयारी के साथ यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। और दूसरा ये कि सभी साथी लोग हैं और वो मुझे सुन पाएंगे और मैं अपनी समझ को रख पाऊंगी, तो उन सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता। और मैं इस व्यापक और सह अस्तित्व शब्द को प्रस्तुत करूँ उससे पहले भैया जी ने जो एक प्रश्न किया था शुरू में कि लोहा भी पारगामी है, इसे हम कैसे देख पाते हैं, तो इस तरफ मेरा ध्यान जाता है कि लोहा पारगामी है ये तो सच है ही, ये तो एक वास्तविकता है ही, लेकिन ये मुझे दिखता नहीं है क्योंकि लोहा पारगामी है ये ज्ञान गोचर विधि से देखने पर ही मुझे समझ आता है। तो इस अस्तित्व को जब हम देखने जाते हैं तो कुछ चीजें हैं जो ज्ञान गोचर हैं, कुछ चीजें हैं जो कि इंद्रिय गोचर हैं। तो क्योंकि अभी हम जागृति परंपरा में या जागृति अवस्था में नहीं हैं, तो हम अभी उन्हीं चीजों को देखकर और तर्कपूर्ण तरीके से रख पाते हैं जो इंद्रिय की पकड़ में होते हैं, और जो ज्ञान गोचर की पकड़ में होंगे वो जागृति की अवस्था में होंगे। लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता ही है कि जैसा हम साइंस में पढ़ते हैं कि हर परमाणु में अपनी एक गति है, तो जैसा हमने जाना कि पारगामी होने से ही व्यापक की जो ऊर्जा है वो इकाई में आती है और इकाई का हर अंश एक सिंगल पार्ट एक सिंगल एटम का भी हर पार्टिकल गतिमान है, स्पीड में है और गति कर पाता है, ये सिर्फ पारगामी होने के कारण ही संभव है। इसका मतलब लोहे के अंदर जो एक एक, एक पार्टिकल से वो लोहे का एक चम्मच या स्टील का एक चम्मच बना है, जो स्टील का एक चम्मच एक एक पार्टिकल से बना है और हर पार्टिकल अपनी अपने परमाणु के अंदर अपने एटम के अंदर गति में है और गति में है वो पारगामी होने की वजह से है। इसका मतलब समझ में आता है कि चम्मच के अंदर भी चम्मच भी पूरी तरीके से पारगामी है, यानी कि डूबी घिरी भीगी है, ये समझ में आता है। दूसरा ये एक छोटा सा वर्षा, तीन चार बार आपने बोला तो मुझे लग रहा है कि एक ना भाषा की तरफ थोड़ा समझा ना, ये चम्मच पारगामी है या व्यापक चम्मच के पारगामी, क्या भाषा? ठीक बात हाँ, व्यापक चम्मच वस्तु के प्रति मतलब के अंदर से आर पार है, व्यापक हर वस्तु के आर पार है ना, वस्तु पारगामी
है, ये कहना भाषा में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, व्यापक हर वस्तु के आत्मा है, इसलिए करें व्यापक पार का हर वस्तु, ये बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये यहाँ से ये इस प्रश्न का उत्तर मतलब हम दे पाते हैं। और दूसरा जिसे एक बात और भी आती है कि स्टील के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ऊर्जा के साथ ही कनेक्टेड हैं, एक गठन में आए हैं, तो गठन में आए हैं और उन्होंने एक चम्मच का वो एक शेप लिया है, तो उसमें भी ऊर्जा का यूज हुआ है ना, तो उसमें भी समझ में आता है कि इस दो तीन बातों से तर्कपूर्ण तरीके से हम समझ पाते हैं कि जो व्यापक है वो चम्मच यानी कि जो स्टील का वस्तु है उससे आर पार है। अब हम व्यापक और सहस्तित्व को समझने आते हैं, तो बहुत सारे शब्द सभी साथियों ने बहुत अच्छे से रखे ही हैं कि पारगामी है और पारदर्शी है। तो पारदर्शी है ये तो हमें स्पष्ट देखने से आता है कि मैं आपको देख पाती हूँ, आप मुझे देख पाते हैं और हम हर वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यापक है वो आर पार है, सॉरी व्यापक जो है वो पारदर्शी है। दूसरा बिंदु जो पारगामी है, बहुत सुंदर लाइन उसमें लिखी थी संवाद वन में, मैंने यहाँ पर लिखी कि व्यापक पारगामी है, इसकी गवाही है पारगामी होने की गवाही है कि इकाइयों की ऊर्जा संपन्नता, मतलब हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, इसका लॉजिकली समझने में आता है क्योंकि वो पारगामी है, इसी वजह से वो ऊर्जा संपन्न है, और पारदर्शी है क्योंकि हम हर वस्तु को देख पाते हैं तो वो पारगामी है। दूसरा जैसे हमने समझा कि व्यापक या व्यापक एक ऊर्जा है, व्यापक को ज्ञान के रूप में भी देखा गया, और एक शब्द संवाद वन में मैंने कहीं पढ़ा उसे लिखा भी था कि मूल ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा, जहां से हम कहेंगे कि जैसे साइंस में पढ़ने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सूर्य अंतिम ऊर्जा है, लेकिन अभी हम इधर आते हैं तो समझ में आता है कि हर ऊर्जा का स्रोत व्यापक ही है। और इसको सभी साथियों ने बहुत अच्छे से अपने अपने बिंदु से रखा है, मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट मैंने इसमें मानव व्यवहार दर्शन में लिखे थे और एक लाइन बहुत सुंदर थी, एक पैराग्राफ बहुत सुंदर था जो मैंने लिख ही लिया है, मैं वो आपके सामने रख देती हूँ। इसमें लिखा है कि व्यापक सत्ता जागृति में, व्यापक सत्ता जागृत में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, और अनुभव काल में आनंद के रूप में, और आचरण काल में न्याय के रूप में, न्याय के रूप में प्राप्त है। मतलब ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम कार्य व्यवहार करने जाते हैं तो वहाँ नियम के रूप में ज्ञान ही है, व्यापक ही है, ऊर्जा ही है। समाधान, जब हम कोई विचार सोचते हैं उसका समाधान जो हमें मिलता है वो समाधान भी व्यापक ही है, और जब हम अनुभव करने जाते हैं जागृति की जो अंतिम जागृति पाने से पहले की जो अवस्था है, अनुभव जिसे बार बार शब्द आता है, और उसके बाद का जो फलन है वो आनंद भी व्यापक ही है। और जो हम आचरण करने जाते हैं तो उसमें जो हम न्याय को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो न्याय प्रस्तुत करने के बाद जो हमें बहुत ही खुशी की अनुभूति या खुशी का भाव मिलता है वो जब न्याय करने पर आता है, तो न्याय भी व्यापक का एक स्वरूप है, व्यापक ही है। तो ये बहुत सुंदर। और दूसरी लाइन उसमें लिखी थी, व्यापक ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। तो जैसा मैंने पर्टिकुलर अपने जीवन में व्यवहार रूप में देखा कि कभी कभी हम बहुत नकारात्मकता से या बहुत मायूस हो जाते हैं, और जब भी हम जैसे हम प्रार्थना करते हैं या हम प्रार्थना नहीं भी करते तो हम विचार कर रहे होते हैं कि हम सब कुछ अच्छा हो जाए, हम अच्छे हो जाए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं, और प्रार्थना करते हैं कोई प्रेयर के कोई शब्द या किसी जिनको हमने श्रेष्ठ माना है उनको याद करते हैं, हम कहते हैं कि हम सच में निकलना चाहते हैं, तो कुछ भी चीज जो हम अच्छी सोचते हैं, सर्व शुभ की तरफ सोचते हैं, तो वहां हमारे लिए व्यापक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्यगत है। ऑल्दो वो क्रिया शून्य है, लेकिन व्यापक में जो जीवन परमाणु है जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जो कि हमारे लिए योग संयोग बनाने में हमारे लिए सहायक है, वो सब हमको प्रेरणा स्रोत के रूप में प्राप्त है। दूसरा एक बहुत बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर भाव जो मुझसे जुड़ा और बहुत पहले ही जुड़ा कि जैसे हम भाव की बात करते हैं, हर मानव भाव पूर्ण है, भाव से है, या तो वो भाव दुखद भाव हो सकता है या वो भाव सुखद भाव हो सकता है, तो ये भाव भी हमें कैसे प्राप्त होता है ये हम, क्योंकि हमने अभी भी बोला कि इस अस्तित्व की, इस सह अस्तित्व की हर इकाई इस व्यापक में पारगामी है, और पारगामी है इसका मतलब हम पूरी तरीके से इस महाभाव को जो कि व्यापक एक महाभाव है इसमें डूबे हैं, तो वो भाव हमें फलित होता है। तो जो भी भाव हमारे अंदर है
ये जो भाव हमें है, ये भाव हमें व्यापक से ही आया है, ये व्यापक से ही एक फलन के रूप में हमें कुछ इसका एक अंश प्राप्त है। तो इसका इससे एक और सुंदर बात उद्गमित होती है कि जैसे मैं कभी भी कोई अच्छा भाव सोचती हूँ या कोई विचार करती हूँ तो वो भाव फैलता है, ऐसा दर्शन में एक सूचना आती है। तो फैलता क्यों है? क्योंकि इस व्यापक से और मेरे जीवन की कोई भी दूरी नहीं है, ये दूरी शून्य है। तो मैं जो भी सोचती हूँ वो फैलता ही है, मैं जो भी भाव रखती हूँ वो फैलता ही है। इसीलिए कहा भी है कि गलत नहीं सोचो क्योंकि आपके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाव फैलता है। तो फैलता है मतलब ये भाव में, क्योंकि मैं डूबी घिरी हूँ महाभाव में, अब मैं जब जब जैसा जैसा भाव में सोचूंगी वैसा वैसा, और इसी से फिर योग संयोग तय होता है। तो कुछ भी छुपा नहीं है। इसमें एक बहुत सुंदर लाइन और भी आई थी मानव व्यवहार दर्शन में, मैं एक बार उसको समझ रही थी कि जैसे हम बोलते हैं कि कौन हमारा दृष्टा है, कौन हमारा हमारे कार्य व्यवहार को देखने वाला है, कौन न्याय करने वाला है, तो कोई और नहीं है, हमारा ही भाव, हमारी ही क्रियाएं, हमारे द्वारा ही न्याय पाती है, हमारे द्वारा ही उसमें सब कुछ होता है और हम ही अपने कार्य व्यवहार का दृष्टा है। क्योंकि सब कुछ आर पार है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई और हमको देखेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार कि सब कुछ आर पार है। तो ये बहुत सुंदर मतलब मेरा ध्यान गया। और जैसे एक चीज और आ जाती है इसमें, नियति क्रम, कि कैसे नियति क्रम तय होता है। यहाँ पर मैं नियति क्रम अपनी बात कहने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी, ये मेरा निष्कर्ष है, ये कंप्लीट मतलब बात है, ऐसा नहीं हो सकता, और हो भी सकता है तो ये मैं आगे पढ़ूंगी तभी कह सकती हूँ। लेकिन ऐसा मेरा ध्यान गया जैसे कि कभी कभी प्रश्न आया कि जैसे हम बोल भी देते हैं कि जो व्यापक है वो क्रिया शून्य है, अगर ये क्रिया शून्य है तो फिर न्याय देने वाला कौन, न्याय देने वाला कौन है? जैसे मैंने बोला कि हमारे ही क्रियाएं हमारे द्वारा ही न्याय पाती हैं, लेकिन उससे भी ऊपर योग संयोग कौन तय करता है ना? जैसे जो घटनाओं का क्रम मेरे जीवन में हुआ, मुझे जीवन विद्या के लोग मिलेंगे और मैं जागृति पथ पर आ जाऊंगा, कुछ क्रियाएं मैं गलत करूंगा, निष्कर्ष मुझे फिर उसका मिलेगा, तो ये योग संयोग कैसे बनता है नियति क्रम? तो ऐसा समझ में आता है मतलब कि इस व्यापक के अंदर तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसे हमने ईश्वर भी माना है, लेकिन व्यापक के अंदर कुछ सूक्ष्म परमाणु अंश हैं जीवन रूपी, जो कि हमें क्योंकि वो भी एक भाव ही है और हमारा भी भाव है, तो जब हमारा भाव सर्व शुभ की दिशा में होता है तो वो भाव उस भाव को महसूस कर पाता है और इन परमाणुओं में गति हो पाती है और ये व्यापक में जो भी हमारा योग संयोग है वो तय होता है, फिर हमारी जो भी सोच विचार है उस तरीके से फैलता है और वो आगे फिर योग संयोग बनता है, फलित होता है। तो ये व्यापक मुझे व्यवहार रूप में जैसे समझ में आता है तो एक तो व्यवस्थित तो एक जीवन मिल पाता है, हम सोच पाते हैं, जितना ध्यान इस व्यापक पर, इस सह अस्तित्व शब्द पर जाता है उतना हम नियम पूर्ण और उतना हम नियंत्रित हो पाते हैं। तो जैसा भैया ने बोला भी था कि नियंत्रण को कैसे, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान गया कि नियंत्रण शब्द आई थिंक तभी आ पाता है जब हम पूरी व्यवस्था को समझ पाते हैं। व्यवस्था अपने आप में सही है और वो समझ में आता है तो नियंत्रण आता है कि फिर सब ठीक ही होगा, और गलत भी होगा तो मेरी क्रियाओं का ही फल होगा, वो भी किसी नियम से गलत होगा और किसी नियम से ठीक होगा। तो ये मेरी पूरी समझ थी जो मैंने आपके सामने रखी। और आखिरी में अभी एक भैया जी ने बात रखी भी थी कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, ये तीन ही क्रियाएं हैं जो सह अस्तित्व में घटित हो रही हैं और तीनों क्रियाओं का आधार ये व्यापक ही है। थैंक यू सो मच, इतनी ही बात थी मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। बढ़िया, थैंक यू। मूविंग ऑन, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि अभी जो पहले पार्टिसिपेंट्स थे वो मेरे ख्याल से अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, कोई और जो अब आज ही पहली बार आए हैं और वो अपना कुछ इनपुट देना चाहते हैं? सुनील खेड़वा भाई भी रखेंगे, पता नहीं भैया जी, कुछ नए नाम दिख रहे हैं भैया? नहीं, वो नए जो बिल्कुल दिख रहे हैं उनको फिर अभी थोड़ा सा रोक लेते हैं जी। मेरे को लग रहा है एक तो आपकी प्रस्तुति रह गई है देव भाई, तो और कुछ जो है वो मेरे को
पांच सात मिनट चाहिए आगे के सेशन को भी सेट करने के लिए। तो ये आज का कार्यक्रम है। सुनील भाई तो अभी म्यूट पे हैं शायद, तो आप बताइए आप अगली बार रखेंगे या अभी देव भाई आप भी मतलब रखने का लग रहा है समय है तो बताए। नमस्ते भैया। हाँ जी नमस्ते सुनील। नमस्ते भैया, अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा हाँ देव भाई बताइए। नहीं कुछ ऐड करना चाहते हैं आप तो प्लीज। नहीं नहीं मैं कह रहा था कि आप कंटिन्यू कीजिए। संजीव भैया आप बता दीजिए टाइम 9:25 हो गया वैसे तो। हाँ आप भी रखेंगे तो आपका भी चलेगा तो सही, थोड़ा बहुत तो 10-15 मिनट टाइप का क्या लगता है जी। तो आप तो, हाँ तो आपका प्रस्तुति फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे है ना, और इसको जो है फिर अपनी तरफ से ऐसा देखेंगे कि जितने भी ओपन पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, जो डाउट्स वगैरह होंगे उनको भी देख लेंगे। अपनी तरफ से मेरे को ये लग रहा है कि हमने एक जो बात की थी शुरू में, कई बार साथी कम रहते हैं इसको ना, और बिल्कुल एक तरीके से हम ऐसा लेके चले जैसा हमने ये देखा कि बुक जो है कल ग्रुप में डाल दी थी पीडीएफ फॉर्म में। ये यहाँ पर जो है ना ये अस्तित्व दर्शन जो है ये पेज नंबर 16 पे इस डायग्राम के साथ में शुरू हुआ है। इस डायग्राम को हम बाद में कभी कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ व्यापक और सह अस्तित्व इसके ऊपर जो हमारी समझ बनी है ये वाली चर्चा जो है हम कर रहे हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे को देव भाई के साथ में, और अगर कोई और साथी जुड़े होंगे जिन्होंने अभी प्रस्तुति नहीं की तो उनका लेके, और फिर जो है जो जो कुछ डाउट्स रह गए होंगे कुछ लगेगा कि और स्पष्ट होना चाहिए उस पर बात कर लेंगे। गोइंग फॉरवर्ड माई सजेशन इज कि अब क्योंकि ये पुस्तक आपके पास में है और पूरा सप्ताह भी है बीच में, तो इसके ना आगे चलते हुए ये पॉइंट नंबर 1 है जो सह अस्तित्व है व्यापक के बाद में, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो है प्रकृति में संपन्नता, अस्तित्व में चार अवस्थाएं, और फिर ऐसे करते हुए ये जो विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति विकास क्रम विकास यहाँ तक चलते हुए ये वाले सारे पॉइंट्स जो है ना 2 पेज में पॉइंट नंबर 15 तक आ जाते हैं। तो ये वाले 2 पेजेस भी ना पढ़ के अपने जो थॉट्स हैं इनके बारे में जैसे आते हैं इसको अपने साथ में बनाए रखें। देखिए आप मुझे भी नहीं मालूम कि किस स्पीड से आगे चलेगा, इट विल डिपेंड कि आपका पार्टिसिपेशन कितना आता है और हर व्यक्ति कितना कितना व्यक्त होता है, लेकिन हम इस क्रम में चलेंगे तो 2 ही पेज है और अपने थॉट्स जो आप लेके चले तो जिस भी स्पीड से चले, एक सेशन में कंप्लीट होगा तो भी ठीक है, 4 सेशन में कंप्लीट होगा, 6 सेशन में कंप्लीट होगा, हम इन चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद में क्या है ये सारा अभी तक पॉइंट नंबर 15 तक है अस्तित्व दर्शन है ना, ज्ञान का दूसरा पॉइंट था जीवन ज्ञान। तो यहाँ से जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान का मतलब है जीवन क्या है, ये जीवन क्रिया और ये ऐसे करके यहाँ पर समाधान और जागृति, और फिर इसके बाद में जो है वो मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में मानवीय आचरण। तो ये इसका जो है ना ब्रेकअप है बेसिकली, अगर हम पुस्तक को भी देखें तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, इन 3 चीजों को ऐसे करके अध्ययन बिंदु में रखा गया। तो हम अभी आने वाले कुछ सेशन में पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट 15 तक जिस भी आपका डिस्कशन में लगे, जब भी हम कहें प्रस्तुति में जिन चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है वो भी हम आपकी तरफ से भी व्यक्ति ले लेंगे, और जिन चीजों की तरफ लग रहा है कि अभी स्पष्टताएं नहीं है उन पे हम आपस में चर्चा करके स्पष्टता बना। ऐसे इतना ठीक लग रहा है देव भाई? जी जी बिल्कुल भैया। तो ये मुझे लगा कि इतना मैं ना आपके सामने रख देता हूँ कि इसको हम ऐसे देख रहे हैं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान का ये 15 नंबर तक है, जीवन ज्ञान 16 एंड 17 है, और फिर उसके आगे जो है वो मानवीयता पूर्ण आचरण। तो उमा भाई का बीच में हैंड रेज हुआ था, भैया कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं भैया, थोड़ा सा दिक्कत थी कि भैया है अभी तो लगे हाथ, पूछ लूं। पूछ तो वो जो एक पॉइंट हम बोले थे भैया कि अंश जिससे परमाणु बना हुआ है, अंश का भी विनाश नहीं होता है और व्यापक का भी, दोनों ही अविनाशी है, यहाँ तक
मैं ये सोच रहा था, ये अभी दिमाग में आया था तो मैं कह के भैया से पूछ लेता हूँ, क्या उस अंश में भी वो तो डूबा गिरा और उनके भी आर पार है व्यापक? मैं यहाँ थोड़ा देखना चाहता हूँ कि अंश के आर पार है कि व्यवस्था बनाने के बाद आर पार की हम बातें करते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर की चाहिए अंश पर जाकर के, बस इतना ही। ये वो ब्रीफ आंसर तो ये है कि अंश के भी आर पार है, वो कैसे है इसको जब हम डिस्कशन को रैप अप करेंगे अगली बार तो तब चर्चा कर लेंगे। जी 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 भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, तो बढ़िया भैया, आप सब आज समय पर जुड़ पाए और काफी साथियों ने अपनी एक्सप्रेशन भी दिया इसके ऊपर व्यापक और सह अस्तित्व, इसको हम कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने अभी डिसाइड किया नेक्स्ट संडे को। बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, अगले संडे को फिर करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार भैया सभी को, जैसे भैया 8 बजे शुरू करना है पूरे 8 बजे शुरू कर देंगे, प्लीज समय पर। थैंक यू।